एचबीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ हैं एफसीआई गोदाम महुआ के पास। यहाँ कुछ डीलर महोदय आए हैं अनाज उठाव के लिए, लेकिन एजीएम महोदय जो द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब मजदूर को पेमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से वो अपना काम करने में असमर्थ हैं, तो राशन आज नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं एजीएम महोदय से उनका हाल क्या है, क्या समस्या है उनके साथ जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं जो आए हैं डीलर अनाज लेने, क्या समस्या है उनके साथ, आइए जानते हैं। बकरी भी नहीं खाएगा, पशु भी नहीं खाएगा, कंकर बालू माटी कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा, ये सब पैक किया जा रहा है। गोदाम प्रबंधन निजियम की जिम्मेदारी है ना, पैकिंग हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, गुदारी से जैसे जानवर को खिलाना है उस तरह से पैक किया जा रहा है। जानवर खाएगा, सब बटोर के देख लीजिए। हमारे साथ है विधायक प्रतिनिधि राजीव यादव जी। क्या समस्या है खाद्य सामग्री से संबंधित जानते हैं उन्हीं के जुबानी, बता राजीव जी। यहाँ हमें लोगों की शिकायत पर गोडाउन का निरीक्षण करने के लिए आया, तो हमने पाया कि यहाँ जितना सड़ा हुआ गेहूँ चावल सबको पैक किया जा रहा है। हमने आपको वीडियो वो अनाज भी दिखाया है। एजीएम पल्ला झाड़ लेते हैं, हम जब भी मांग करते हैं कि यहाँ पर वजन करवाइए, यहाँ पर वजन करवाने से उनको आपत्ति है। संबंधित लोगों के यहाँ जा करके काटा होती है गाड़ी को, और हम एजीएम साहब से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि इसका मामला जो सो ठेकेदार समझे। लेबर लोग स्ट्राइक किए हुए हैं, 2-3 पंचायत के डीलर पैक्स यहाँ आए हुए हैं, मिर्जानगर के हैं, मंगराही के हैं, और बताया जाता है कि लेबर लोग को पेमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से हम लोड नहीं करेंगे। अब बताइए कि डीले करते करते ये लोग फ्री के राशन को हकमारी करना चाहते हैं, उसको मतलब कालाबाजारी करना चाहते हैं, यही सिद्धांत है यहाँ का। और जब भी डीलर लोगों के यहाँ लोग पहुँचता है, 5 आदमी 7 आदमी में 7 आदमी का नाम है तो 5 आदमी को दिया जाता है, बोलता है हम कहाँ से देंगे, हमको बोरा ही मिलता है वहाँ से 40 किलो 42 किलो का। तो हम मांग करते हैं एजीएम से और एसडीओ साहब से, महुआ एमओ साहब से, कि आप खुद गोडाउन पर इस महामारी में, कोरोना जैसी बीमारी में, कम से कम पदाधिकारी खुद स्वयं यहाँ रह करके यहाँ पर निरीक्षण करें और लोड करवाए वो सही वजन करा करके। और जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए हैं डीलरों के यहाँ, किसी डीलर के यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं जा रहे हैं, आज भी मनमानी जारी है। मुर्दाबाद। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। अजीत जी हैं, जानते हैं इनका अनाज का उठाव क्यों नहीं हो रहा है, जानते हैं इन्हीं के जुबानी, बताइए। मेरा फ्री वाला अनाज चावल जो है चला गया, मैं 4 दिन से आ रहा हूँ, और आज आने की बात हुई कि 20 तारीख का अंतिम डेट है, आज हर हाल में मिल जाएगा। यहाँ पे आए तो हम देखे कि स्ट्राइक पर है लेबर, जानना चाहे कि स्ट्राइक पर क्यों है लेबर के द्वारा ये मालूम है कि पैसा उसका नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात है कि सुबह 5 बजे से वहाँ का लाभुक जो है सो परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है हम लोगों को, ये हम लोगों को परेशानी काफ़ी हो रही है। हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कम शाम समय से मिल जाए कि हम लोग लाभुक को हमारे माध्यम से। शुभ नाम बताएं। अजीत कुमार। मिर्जा नगर पैक्स। सहायक गोदाम प्रबंधक साहब, जानते हैं क्या समस्याएं हैं उनको अनाज देने में डीलरों को, जानते हैं उन्हीं की जुबानी, बता एजीएम साहब अनाज क्यों नहीं मिल रहा है डीलरों को। अनाज यहाँ पर 90% डीलर को चला गया है, आज
मुश्किल से चार डीलर बचे हैं, चार से पाँच डीलर बचे जिनसे जाना है, लेकिन लेबरों का पेमेंट नहीं हुआ है। इसकी वजह से लेबर ग्रुप का मना कर, जो परिवहन अभी करता है उनसे बात से बात हुई, उससे पैसा के लिए एक ऑप्शन जो दिए तो बोले कि दो तीन घंटे पैसा आना है तो देंगे। ऑफिसर डीलर को नहीं दिया, मतलब क्या कारण है कि समस्या क्या है कि मतलब ये जो आपके कामगार हैं, डेली कामगार हैं, डेली ये खटते हैं, इनको पैसा क्यों नहीं मजदूरी मिला अभी तक, वो बताएं आप। नहीं, मजदूरी तो बकायदा हर मंथ से मंथ मिलता है, इसमें कोई नहीं है, और ये परिवहन अभिकर्ता को देना होता है हमको, और परिवहन अभिकर्ता से हमारी बात हुई है तो बोल रहे हैं कि अगले दो तीन घंटे में पैसा आ जाएगा, पैसा दे देंगे। और वैसे अगर मान लिया ऐसा कोई दिक्कत होता तो 99% तक डीलर हम लोग नहीं डिस्पैच किए जाते, परिणाम करता है मतलब कि आज के दिन में पैसे वो दे देंगे। अगर पैसे वही कहते दो तीन घंटा हमारे विभाग से बात हुई है, बोले दो तीन घंटे चल रहा है तो दे देंगे। कहाँ है आपके परिवहन अभिकर्ता? कहाँ है इसकी जानकारी? तो हमारी हमारे विभाग से बात हुई है, उनके जो टी ए साहब उनसे हमारी बात करें, टी ए साहब से बात करें, लेकिन साहब टी ए साहब से बात की है। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम कुमार गुरु। पद? एक जी महुआ। और कहने के प्रमाण में है? पापा यदि महोदय से बात किया, इनसे समस्याओं के बारे में जानकारी लिया, आगे चलते हैं हम कामगारों के बीच, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। खाद गोदाम के ठेकेदार साहब, जानते हैं क्या समस्या है, मतलब डीलरों को अनाज देने में क्या समस्या है उत्पन्न हो गई है इनके दिमाग में, बताइए। कोई समस्या नहीं मिल रहा है अनाज? हाँ, ग्राफ निकाल के देखा जाए 42 जिला में महुआ ब्लॉक नंबर 1 पर है। इशू में हम लोग 96% चले गए हैं, 4% बचल है। बहुत ऐसा ब्लॉक है जो अपने 17% 80% पर है। शुभ नाम बताएं आपने? रणवीर कुमार। धन्यवाद आपको एसबीएन न्यूज को ये जानकारी देने के लिए। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं राहुल कुमार, एसबीएन न्यूज हाजीपुर।